क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे आना, जाना, पाना, कोना, खेलना, कूदना आदि। साधारण रूपों के अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है, जैसे लिख, पढ़, जा, का, गा, रो आदि। इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, गटना, जागना, उछलना। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भवरा फूलों का रस पीता है। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला कर्ता। प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना।
देना दिलाना दिलवाना, जीना जिलाना जिलवाना, लिखना लिकाना लिखवाना। धन्यवाद दोस्तों।